हेलो एवरी वन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर्ट द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरियंत वर्कबुक क्लास सिक्स इंग्लिश का चैप्टर थ्री पोएम पढ़ेंगे द क्वैरल तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं पोएम है ठीक है चैप्टर थ्री द क्वैरल ठीक है वेरी शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन हाउ वॉज द स्टार्ट ऑफ द क्वेरल ही क्वेरल्ड विथ हिज ब्रदर अवर समथिंग पिक आउट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम स्लाइट राइट नेम दफ द पोएम द क्वेरल ठीक है तो इसका होगा एलिनोर फॉर्जन शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चनस ठीक है तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको बताना है कि नेम द पॉइट पॉइट ऑफ़ द पोएम पॉइट का नाम आपको बताना है ठीक है तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो आपको याद करना होगा कि एलिनोर फर्जन है ठीक है उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेयर द सिबलिंग्स एबल टू तो रिजॉल्व देयर फा, फाइट हाउ यस द ब्रदर रिजॉल्व द फाइट व्हाट डज द Poetess mean when she says the, that the afternoon turned black. It means night. Theek hai? Ski how long did the quarrel last in the poem The Quarrel? About half a day. Why does the sister admit at the end of the poem The Quarrel that her brother was right? Since her brother... Wants this fight to end. Thought the quarrel began over a trivial issue. It was blown out of proportion. Why? They were uh, fighting over a minor issue. But when the poetess Thought his brother, was wrong, it was blown out of proportion. Okay? Long answer type questions. वॉट लेसन डज द पोएम द क्वेरल टीच यू तो ये वी वी क्यू है तो आपको खुद बनाना है कि ये जो लेसन है ठीक है ये जो पोएम है द क्वेरल तो इससे इस आप क्या सीखते हैं ठीक है एक्सट्रेक्ट बेस्ट क्वेश्चन डायरेक्शन्स रीड द फॉलोविंग स्टेंजस एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो ठीक है आई क्वरल्ड विद माई ब्रदर आई डोंट नो वॉट अबाउट वन थिंग led to another and somehow we fill out the start of it was slight the end of it was strong he said he was right I knew he was wrong okay. whom did the poetess have a quarrel with with her brother okay. what was the reason for the quarrel it was a small reason and poetess don't Remember it. What does the poetess mean when she says the end of it was strong? Finally, it became a big issue. Why didn't the quarrel between the poetess and her brother get resolved? Iska hoga, see number, neither of them was ready to come promise. Okay? टिक लगाएंगे उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फेल आउट इसका होगा ए नंबर कैरल टिक लगाएंगे ठीक है उसके बाद है वी हैटेड वन एन अदर द आफ्टरनून टर्नड ब्लैक देन सडनली माय ब्रदर टर्म्ड मी ऑन द बैक एंड सेड ओ कम अलोंग We can't go on all night. I was in the wrong. So he was in the right. Hai? Question? Hai phir, ki both the brother and the sister hated each other. Why? They both were fighting and quarrelling. In the above lines, who is termed by whom? The poetess is termed by her brother. Why does the brother decide to पैच अप विथ हिथ सिस्टर द कांट फाइट क्वारल थ्रू आउट द नाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिनोनिम ऑफ द वर्ड टम्प्ट मैंसन इन द लाइन्स एब हिट हैवीली ठीक है ए नंबर टिक लगाएंगे ठीक है विच पॉइटिक डिवाइस इज यूज इन द स्टेंजा रैमिंग वर्ड्स टिक लगाएंगे एमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ठीक है लिस्ट आउट द रीजन्स दैट यूजअली लीड टू क्वैरल विथ योर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स नेवर हुड किड्स एक्सेट्रा ठीक है यह आपको खुद ही लिखना है ठीक है इसके बाद है कि योर रिसेंटली क्वारल विथ योर ब्रदर सिस्टर ओबर अ स्मॉल थिंग ठीक है डिस्क्राइब द क्वैरल इन द स्पेस प्रोवाइड विलो ऑल्सो मैंसन हाउ यू पेस्ड अप आफ्टर द क्वारल ठीक है तो ये आपको खुद ही लिखना है कि रिसेंटली आपने अपने ब्रदर एंड सिस्टर से किसी छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा किया था ठीक है इसे डिस्क्राइब करना है किस बात के लिए झगड़ा हुआ था ठीक है वो लिखना है उसके बाद फिर कैसे पैचअप हुआ ठीक है वो भी लिखना है तो ये आपको खुद ही बनाना है उसके बाद है इफ़ यू वुड हैव बीन

Some ways to avoid quarrels in the space provide provided below ठीक है जैसे कि आप किस तरह से अगर घर में अगर झगड़ा होता है तो किस तरह से उसे आप अवॉइड कर सकते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको लिखना है जिससे कि झगड़ा ना हो ठीक है तो ये आपको खुद ही लिखना है तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको खुद ही बनाना है ठीक है इसलिए मैंने इसे नहीं लिखा तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे ठीक है तो कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो तो एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस वर्कबुक को अच्छे से बना लेते हैं आप चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद आप वर्कबुक को बना लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा तो आप अच्छे से रिविज़न कीजिए मन लगा के पढ़िए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो